हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? मेरे साथ साथ पढ़ रहे हैं ना? फटाफट से आगे आगे बायोलॉजी का सिलेबस हमारा बढ़ता जा रहा है, पर डे वन चैप्टर चलता जा रहा है, राइट? और आज जो हम टॉपिक लेंगे वो टॉपिक हम लोग लेंगे ट्वेल्थ से। अभी देखिए, एक्चुअल में हम लोग फ्लावरिंग प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या किया, उनका किंगडम क्लासिफिकेशन किया, प्लांटी पे आए, प्लांटी से हम लोग एंजियोस्पर्म में पहुंचे, एंजियोस्पर्म की हमने मोर्फोलॉजी की, एनाटॉमी की, एनाटॉमी के बाद में अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे उनमें रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। हमारे सारे मार्क्स जो है हम सिक्योर कर लेने वाले हैं इस बार नीट एग्जाम के अंदर। देखिए, चलिए देखिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हम पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ पे हम लोग फ्लावरिंग प्लांट के बारे में नहीं बोल रहे पर्टिकुलरली, और ना ही हम बात कर रहे हैं यहाँ पे यूनिसेलुलर के लिए पर्टिकुलर, या फिर मल्टी सेलुलर के लिए पर्टिकुलर, या फिर पर्टिकुलर एनिमल्स के बारे में। हम सबको टोटल ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें, जितने भी हैं उनके लिए रिप्रोडक्शन का एक तरह से इंट्रोडक्शन है ये। इसके बाद में हमारे मेन टॉपिक आएंगे जिनमें आएगा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड रिप्रोडक्शन जो है ह्यूमंस के अंदर, राइट? बट पहले हम लोग जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म देख लेते हैं टोटल। एक ये एक इमेज क्रिएट की है इंट्रोडक्शन देके एनसीईआरटी ने हमें। देखिए, लाइफ स्पैन, पहली बात तो हम किसको बोलते हैं, पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन बोलते हैं। यानी जब आप पैदा होते हैं और आपकी जब नेचुरल डेथ होती है उसको हम लाइफ स्पैन बोलते हैं। ये नहीं है कोई आत्महत्या करके लटक गया है तो हम बोलेंगे हाँ भैया ये उसका लाइफ स्पैन था। लाइफ स्पैन तो नेचुरल उसको नहीं बोल रहे हैं, है ना? तो लाइफ स्पैन नेचुरल जब डेथ होती है ना तब हम उसको लाइफ स्पैन बोलते हैं। अभी अगर हम बात करेंगे यूनिसेलुलर के बारे में, है ना, तो देखिए अमर तो कोई भी नहीं है, सब लोग जो पैदा हुआ है वो मरेगा, एक्सेप्ट अगर हम बात करते हैं किसकी, यूनिसेलुलर की। इनके बारे में बात करते हैं क्यों भाई, क्योंकि ये सेल्स तो क्या है, एक सिंगल सेल होती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे सेल ने डिवाइड की वो क्या बना लेती है, दो बना लेती है। यहाँ पे हमारे पास में प्रोजेनी सेल्स, तो इनकी तो क्या है, पेरेंटल सेल जो कहाँ हो गई है, विलुप्ति हो गई है। जैसे सेल डिविजन किया, खुद एक सेल ही है, उसने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड हो गई। तो अभी इनकी तो पेरेंटल सेल क्या है, हर बार क्या रह जा रही है, अभी तो अमर हो गई ना वो सेल, तो बिल्कुल ही अमर हो गई है क्योंकि थोड़ा पार्ट ले गई, आधी एक प्रोजेनी आधा पार्ट ले गई दूसरी प्रोजेनी, है ना, ऐसी कंडीशन हो गई है। तो हम क्या बोल रहे हैं, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर, उनमें हम क्या बोलते हैं, वो सेल्स जो हैं वो हम उनके अंदर क्या मृत्यु नहीं आती है, नेचुरल डेथ नहीं आती है। तो हाँ बिल्कुल उनके अंदर कोई नेचुरल डेथ नहीं होती है, ठीक है, तो उनके अंदर ये कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता है। बाकी जिनमें नेचुरल डेथ होती है उनके अंदर ये कॉन्सेप्ट लागू होता है। ये मल्टी सेलुलर के बारे में बात हो रही है, यूनिसेलुलर के बारे में हम लोग ये बात नहीं बोल पाते हैं। ये कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनका लाइफ स्पैन दिया गया है आपके एनसीईआरटी के अंदर, तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं, है ना, इस तरह के क्वेश्चन भी, कि बटरफ्लाई जो है उसका लाइफ स्पैन कितना है, 1 से 2 हफ्ते का है, क्रो का कितना होता है, पैरेट का कितना होता है, बनियन ट्री का देखिए 180 ईयर्स है, बैम्बू प्लांट जो है वो 50 to 100 ईयर्स होते हैं, राइट? तो ये जो है ना, ये कभी कभी वो पूछ लिए जाते हैं। ये एक्चुअल में ये बैम्बू प्लांट तो मोनोकार्पिक है ना, ये तो अपने पूरे जीवन काल में एक बार ही फ्लावरिंग करता है, देखिए, और अपनी नई प्रोजेनी डेवलप हो जाती है खुद का, अता पता खत्म। चलिए, तो रिप्रोडक्शन, अभी लाइफ स्पैन बताया तो रिप्रोडक्शन पे लाइफ स्पैन कहां से आ गया, इसीलिए बताने के लिए। देखिए, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है जिसकी क्या हुई है, बर्थ हुआ है, तो उसकी नेचुरल डेथ जो है वो होगी, नेचुरल या जो भी एक्सीडेंटल डेथ हो तो उसको हम काउंट नहीं करें। तो वो जब भी अपना लाइफ स्पैन लेगी, अपना पूरा लाइफ स्पैन लेने के बाद में डेथ तो होनी है, राइट? बट अपनी ही जैसी हम बोलते हैं कि जो स्पीशीज है, खुद की जो स्पीशीज है उसकी कंटिन्यूटी मेंटेन रखने के लिए, ऐसा तो नहीं है कि खुद मर गया तो उसके बाद में उसकी स्पीशीज ही क्या हो गई, विलुप्त हो गई, ये कंडीशन भी नहीं चाहिए। नहीं तो हमारा जो ये ऑर्गेनिज्म है, ये जो वेरिएशन है, ये जो हमारे धरती चल रही है, इतनी कहानियां हो रही है, है ना, आप लोग पढ़ रहे हैं, नीट पढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीजें तो खत्म हो जाएगी। एक जो जिसने हमें पैदा किया था कभी, तो वो ही मर गया तो उसके बाद सारी कहानी खत्म। बट ऐसा नहीं है ना, ये पूरी जो है आगे से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी जो है स्पीशीज जो है चलती रहे, कंटिन्यूटी मेंटेन रहे अपनी स्पीशीज की। इसके लिए कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन वो फिनोमिना है जिसके थ्रू अपनी ही जैसी संतति जो होती है, प्रोजेनी जो होती है, उसको डेवलप किया जाता है। उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू द यंग वन सिमिलर टू द इटसेल्फ, अपने जैसे ही, ठीक है, कॉपी नहीं बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रिप्रोडक्शन के दोनों ही टाइप आते हैं, सेक्सुअल भी आता है और एसेक्सुअल आता है। एसेक्सुअल में कॉपी डेवलप हो जाती है, सेक्सुअल के अंदर कॉपी थोड़ी ना डेवलप होती है, कुछ सिमिलैरिटीज होती है तो कुछ सिमिलैरिटीज भी होती है। क्यों होती है, क्या होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। चलिए, रिप्रोडक्शन करते क्यों है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन कंटिन्यूटी भी मेंटेन रहे, जेनेटिक मटेरियल भी ट्रांसफर होता रहे, हेरिडिटी की वजह से करेक्टर भी कोई विलुप्त ना हो, कुछ हो भी जाते हैं तो कुछ नए भी डेवलप हो जाते हैं, तो ये वेरिएशंस हो और ये जो
जीन्स है उनकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहे, स्पीशीज की कंटिन्यूटी मेंटेन रहे, इसके लिए रिप्रोडक्शन जो है वो कोई भी ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है। चलिए सॉरी अब देखिए रिप्रोडक्शन के हमारे पास में दो टाइप है, एक टाइप है एसेक्सुअल, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम किसे बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि विदाउट गैमेट फॉर्मेशन, है ना। अब गैमेट फॉर्मेशन विदाउट, या फिर हम बोलते हैं गैमेट फॉर्म हो भी सकते हैं, दैट कंडीशन इज ऑल्सो प्रेजेंट। कभी कभी ऐसा भी होता है कि या तो गैमेट बनेंगे ही नहीं या गैमेट बनेंगे बट उनका फ्यूजन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन जो इवेंट होता है ना वो मिसिंग होता है। फर्टिलाइजेशन जो इवेंट है वो क्या है? मिसिंग है, वो नहीं होता है। गैमेट्स बन सकते हैं और उनका बट बनेंगे अगर तो उनका फ्यूजन नहीं होगा ना, तो या फिर गैमेट बनेंगे ही नहीं। तो ऐसा रिप्रोडक्शन जिसके अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, उसकी वजह से है ना, उस इस तरह के रिप्रोडक्शन की वजह से जो प्रोजेनी डेवलप होती है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसके अंदर आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी पेरेंट है वो हमेशा जो प्रोजेनी डेवलप करेगा वो क्या होगा? उसका क्लोन होता है। क्लोन क्यों होता है? क्योंकि ना तो कोई मोर्फोलॉजिकली उसमें चेंज आ पाता है, ना कोई जेनेटिकली चेंज उसमें आ पाता है। क्योंकि नॉर्मली ये जेनेटिकल चेंज जो होते हैं वो तभी आते हैं जब हम बोलते हैं कि मियोसिस होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, ये सब चीज़ें हम पढ़ के भी आए हैं। तो क्रॉसिंग ओवर होता है जिसकी वजह से क्या होते हैं कि जीन्स जो है वो चेंज होते हैं, नए करेक्टर डेवलप होते हैं, और इसी की वजह से जो होती है डिफरेंट तरह के करेक्टर की वजह से प्रोजेनी थोड़ी सी डिसिमिलर होती है अपने पेरेंट्स से। तो वो सब चीज़ें तो यहाँ है ही नहीं, ना तो गैमेट बन रहे हैं ना गैमेट का फ्यूजन हो रहा है, तो ऐसी कोई चीज है नहीं, तो नए तरह के करेक्टर भी डेवलप नहीं हो पाते हैं। तो जो प्रोजेनी है वो एकदम पेरेंट जो होता है उसकी कॉपी होती है। तो जेनेटिकली पर मॉर्फोलॉजिकली क्या होते हैं? वो सिमिलर होती है, ठीक है। तो प्रोजेनी के बारे में, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको बोल रहे हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये हुआ कि जिसके अंदर गैमेट ना बनेंगे या नहीं बनेंगे, बनेंगे अगर तो पट उनका फ्यूजन नहीं होगा, तो उसके थ्रू जो है ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू प्रोजेनी डेवलप होती है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्लोन बनते हैं, मोर्फोलॉजिकली जेनेटिकली सिमिलर बनते हैं। चलिए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर देखें तो कई टाइप है। बाइनरी फ्यूजन, सेल डिवीजन जो नॉर्मल हो ही रहा है, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग। तो देखिए प्रोटिस्ट एंड मोनेरल्स की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले तो इस टॉपिक को हम क्लियर करते हैं कि जो प्रोटिस्ट होते हैं या फिर जो मोनेरल्स होते हैं उनमें जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है इनके अंदर सेल डिवीजन ही क्या है? रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। अगर उनकी पर्टिकुलर एक सेल है, मान लीजिए ये क्या है आपका, हमने बोला अमीबा है, अमीबा ने क्या किया, सेल डिवाइड करी और डिवाइड करके क्या बनाई, दो डॉटर सेल या दो प्रोजेनी जो है वो डेवलप हो गई है। अब ये दो डॉटर सेल्स भी है, सेल डिवीजन का ही रिजल्ट है। और दूसरा अगर हम ये कह देते हैं कि सेल, अगर हम ये बोले तो इसको हम सेल डिवीजन भी बोलेंगे और इसी को हम रिप्रोडक्शन भी बोलेंगे, क्योंकि पेरेंट से क्या हो गई, दो प्रोजेनी जो है वो डेवलप हो गई है। तो सेल डिवीजन इज इट सेल्फ इज ए टाइप, क्या है, एक रिप्रोडक्शन का टाइप ही है। तो दोनों ही सिनोनिम बात है, सेल डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन। किसके अंदर अगर बात करें? यूनिसेलुलर की। तो प्रोटिस्ट एंड मोनेरल्स उसमें आते हैं। वैसे ये चीज हमने डिस्कस की है जब हम लोग लिविंग वर्ल्ड कर रहे थे। चलिए बाइनरी फिजन किसको बोलते हैं? बाइनरी फिजन का मतलब ये हो गया कि कोई सेल जो है वो क्या कर रही है, फिजन जिसके अंदर क्या हो रहा है, वो स्प्लिट हो रही है दो पार्ट के अंदर। ये अमीबा आपके सामने है, तो अमीबा जो है वो स्प्लिट हो रहा है दो सेल के अंदर, दो प्रोजेनी सेल डेवलप कर रहा है, बट यहाँ पे दो ही सेल डेवलप हो रही है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? बाइनरी फ्यूजन बोल रहे हैं। तो फ्यूजन के थ्रू हो सकता है, ये बाइनरी एंड मल्टीपल दोनों तरह का हो सकता है। तो अमीबा एंड पैरामीशियम जो है ये बाइनरी फ्यूजन शो करता है। अमीबा तो कहीं से भी फ्यूजन शो कर लेता है, लेकिन पैरामीशियम के मामले में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन होता है। पैरामीशियम जो होता है वो इस तरीके से केवल आपका, हम ये बोलते हैं ट्रांसवर्स, ये ही क्या करता है, बाइनरी फ्यूजन शो करता है। अगर यूबिलिना की बात करेंगे तो यूबिलिना जो है वो क्या करता है, वो लॉन्गिट्यूडिनल इस तरीके से क्या करता है, फ्यूजन शो करता है। क्लियर आप लोगों को? तो फ्यूजन के थ्रू क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। रीजनरेशन, जैसे कि प्लेन एरिया के अंदर रीजनरेशन होता है, ये प्लेन एरिया है आपका, तो प्लेन एरिया क्या होता है, सॉरी बहुत ही गंदा प्लेन एरिया बना दिया है मैंने। चलिए तो प्लेन एरिया जो है वो एक्चुअल में क्या है, इस तरीके से ये प्लेन एरिया है। तो प्लेन एरिया का कोई भी हिस्सा टूट जाएगा तो वो टुकड़ा क्या करेगा, एक नए पूरे प्लेन एरिया को डेवलप कर लेगा। मान लीजिए ये हिस्सा है, तो इस हिस्से ने भी एक प्लेन एरिया बना लिया है, ये प्लेन एरिया बन गया, इस हिस्से ने भी एक बना लिया, इसने भी एक बनाया। तो एक खोए हुए पार्ट को वापस प्राप्त करना उसको हम रीजनरेशन कहते हैं। बॉडी का कोई भी हिस्सा, कोई भी पार्ट जो है वो क्या हो जाए, पूरा का पूरा न्यूली बन जाए, पूरा का पूरा जो खोया हुआ हिस्सा उसको पूरा बना लेता है, तो उसको हम रीजनरेशन कहते हैं। तो ये भी एक टाइप हो गया ना रिप्रोडक्शन का, कि मान लीजिए तीन हिस्से हुए प्लेन एरिया के,
तो वो तीनों ने अपने अपने टीसे बना लिए, तो उसको हमने क्या कह दिया, उसको हमने बोला ना रीजनरेशन। तो ट्रू रीजनरेशन कहते हैं प्लेन एरिया में जो प्रेजेंट होता है बर्डिंग। ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया गया ईस्ट का, ये पेरेंटल सेल है, उसने एक छोटी सी क्या की बर्ड फॉर्म किया, आउटग्रोथ डेवलप की, ठीक है। इस आउटग्रोथ में क्या हो गया, अभी देखिए जो आपका न्यूक्लियस है वो भी क्या हो गया, दोनों में दो पार्ट के अंदर दो पेरेंट ने दो प्रोजेनी न्यूक्लियाई बना लिए हैं, एंड देन ये बर्ड जो है वो पहले तो पूरी तरीके से डेवलप हुए पेरेंटल सेल पे, फिर सेपरेट होकर एक नया ईस्ट सेल बना लेंगे। तो ये बडिंग जो है शो कर, बडिंग जो है वो ईस्ट सेल शो करती है, और एनसीईआरटी में ये डायग्राम भी है। फ्रेगमेंटेशन, हाइड्रा जो होता है उसका कोई भी हिस्सा टूटता है, छोटे छोटे अगर हम हाइड्रा को मिक्सी में चला देना तो छोटे छोटे हर टुकड़ा जो होता है वो क्या कर लेता है कि वो न्यू हम बोलते हैं कि हाइड्रा फॉर्म कर लेता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन या फिर फिलामेंटस कोई भी एल्गी है, अगर फिलामेंटस एल्गी है तो ये एल्गी मान लीजिए, तो इसका ये टुकड़ा जिसमें दो सेल हो सकती है, कोई टुकड़े में तीन या चार सेल हो सकती है, या यानी कि कोई भी फ्रेगमेंट छोटा सा फिलामेंटस एल्गी का हो चाहे फंजाई का हो, जो टुकड़ा क्या है न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर लेता है, न्यू प्रोजेनी जो है उसको फॉर्म कर लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल जो है फ्रेगमेंटेशन के अंदर कही है फिलामेंटस एल्गी है, फंजाई है, वो सभी उसी के एग्जाम्पल है। चलिए देखिए ये डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। बडिंग क्या होता है, बडिंग के अंदर तो एक स्मॉल आउटग्रोथ डेवलप होती है, ठीक है, जो कि पेरेंट सेल पे ग्रोथ करती है एंड देन सेपरेट होकर न्यू ऑर्गेनिज्म बनाती है, उसको हम बडिंग बोलते हैं। फ्रेगमेंटेशन क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि कोई भी पेरेंटल सेल जो होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है। अब वो हर टुकड़े के अंदर किसी में दो सेल हो सकती है, किसी में पांच हो सकती है, यानी टिश्यूज नहीं है उसके अंदर, केवल सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ दो चार सेल हो सकती है, किसी में दस सेल्स होते हैं, और वो हर टुकड़ा एक न्यू जो है उसको ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर लेता है, तो उसको हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। बाइनरी फिजन हम किसको बोलते हैं, बाइनरी फिजन का मतलब ये हो गया कि सेल जो है मदर सेल वो डिवाइड होती है दो इक्वल हाफ के अंदर, और वो हर जो है वो क्या है एक डॉटर सेल कहलाती है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो ध्यान जो आपको रखना है क्या है, डिवीजन कैसे हो रहा है, मदर सेल जो होती है उसके अंदर माइटोसिस होता है, ठीक है, सिंपल क्लियर माइटोसिस हो रहा है, उसी को बाइनरी फिजन बोला है। न्यूक्लियर डिवीजन जो है वो नहीं होता फ्रेगमेंटेशन के अंदर, क्योंकि हर टुकड़ा एक नए पूरा बना रहा है ना, तो वो टुकड़े में दो से तीन सेल हो सकती है, तो न्यूक्लियर डिवीजन की यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है। बट यहाँ पे बडिंग के टाइम पे अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होता है, छोटी सी बड बनती है ना, तो साइटोप्लाज्म में जो बड होती है उसमें थोड़ा सा ही जाता है पेरेंटल सेल के अंदर, अपना पूरा साइटोप्लाज्म बना रहता है, तो अनइक्वल जो है वो बड यहाँ पे फॉर्म होती है, ठीक है। यहाँ पे पेरेंट सेल जो होती है बाइनरी फ्यूजन के अंदर पूरी तरीके से उसकी आइडेंटिटी खो जाती है, जबकि बडिंग के अंदर आइडेंटिटी जो है वो मेंटेन रहती है। फ्रेगमेंटेशन के अंदर भी कंडीशन है कि हर टुकड़ा नया नया बना रहा है, तो हम ये बोल देंगे कि वो ऑलमोस्ट वही कंडीशन है जैसा कि फ्यूजन में हो रहा है, तो पेरेंटल सेल जो है वो नहीं रहती। कभी अगर पूरे फिलामेंटस एल्गी का छोटा सा हिस्से ने बना लिया आपका नया ऑर्गेनिज्म बना लिया, तो पेरेंटल सेल जो है वो स्टिल अवेलेबल भी है, तो दोनों ही कंडीशन हो सकती है फ्रेगमेंटेशन के अंदर, ठीक है। मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में क्या क्या होती है, बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन का मतलब क्या हो गया कि एक सेल जो है वो क्या करती है, कई सारे हम बोलते हैं इस तरह से जो है डिवाइड कर सकती है, कई सारे जो है वो प्लेन जो है ये आपके सेल जो है वो डिवाइड करती है कई तरीके से, और खूब सारे जो है वो बन जाते हैं उससे, क्या आपके प्रोजेनी सेल्स जो है वो फॉर्म हो जाती है, उसको हम बोलते हैं मल्टीपल। बाइनरी में केवल एक ही स्प्लिट होता है जिसकी वजह से दो ही प्रोजेनीज बनती है, जैसे कि अमीबा के अंदर ये डायग्राम एनसीईआरटी में दिया गया है, सिंपल माइटोसिस हुआ, माइटोसिस की वजह से दो टोटल सेल्स बन गई है, जिसको हमने बोला बाइनरी फ्यूजन। चलिए नाउ नेक्स्ट, और अगर हम बात करें लोअर एनिमल्स की एल्गी एंड फंजाई की, तो उसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे कई तरह के स्पोर्स वगैरह भी बन सकते हैं, जैसे कि जू स्पोर्स फॉर्म होते हैं क्लेमाइडोमोनास में। क्लेमाइडोमोनास है में क्या होते हैं, इस तरह से मोटाइल स्पोर्स फॉर्म होते हैं, और हर स्पोर्स जो है वो एक नया क्या है आपका क्लेमाइडोमोनास है, ठीक है ना। तो जू स्पोर्स जो होते हैं वो एंडोजिनसली फॉर्म्ड होते हैं, किसी भी स्पोरिंजिया के अंदर फॉर्म होते हैं। यहाँ पे सिंगल सेल है ये, तो इसी के अंदर ही कई सारे जू स्पोर्स बन गए हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्लेमाइडोमोनास के अंदर। तो जू स्पोर्स फॉर्म हो सकती है एल्गी के अंदर, फंजाई में भी फॉर्म होती है। वैसे हम लोगों ने ये सब चीजें डिस्कस किया प्लांट किंगडम के टाइम पे इनके अंदर। अगर हम बात करते हैं पेनिसिलियम की, ठीक है, पेनिसिलियम के अंदर क्या होता है, ये फंजाय है जिसके अंदर कोनिडिया फॉर्म होते हैं। कोनिडिया एक्चुअल में क्या है, ये एक्सोजीनसली फॉर्म्ड क्या है, स्पोर्स है, जो कि एक चेन के फॉर्म में होते हैं। अब ये देखिए जिसके ऊपर लगते हैं उसको कोनिडियोफोर कहते हैं। अब ये इनकी प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी जो है ब्रांचिंग है। अब ये सब याद करने की जरूरत नहीं है कि इसको हम रेमी मेट्यूले एंड स्टिगमेटा कहते हैं, बट वो सब रिक्वायरमेंट नहीं है, ना एनसीईआरटी ने दिया है, ना इतना डिटेल में ये शब्द याद करिए। सिर्फ कोनिडिया को याद करिए, बनता है किसमें, पेनिसिलियम के अंदर बनते हैं, ठीक है। तो कोनिडिया जो है वो क्या है, स्पोर्स ही है, एक तरह के एसेक्सुअल स्पोर्स है। जू स्पोर्स भी एसेक्सुअल स्पोर्स है। बर्ड जो है वो देखिए एक्सोजीनसली हाइड्रा के अंदर भी बनती है। ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, हाइड्रा के अंदर एक्सोजीनसली देखिए बर्ड फॉर्म हो रही है।
जो कि क्या बनाती है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर लेती है। एंडोजिनस जो बड है वो भी बनती है, जिसको हम जेम्यूल बोलते हैं, ये स्पंजस के अंदर होती है। एक्चुअल में आर्कियोसाइट सेल्स होती हैं इनके अंदर, ये आर्कियोसाइट सेल्स जो होती है टोटिपोटेंट नेचर की होती है, जो कि हम बोलते हैं कि न्यू, जो हम बोलते हैं सारे के सारे टिश्यूज जो होते हैं उनको फॉर्म करने की कैपेसिटी रखती है। तो एक्चुअल में ये इनमें ये कुछ आर्कियोसाइट सेल्स होती है, ये जेम्यूल है, पूरी इंटरनल बड है। अगर ये कोई स्पंज है, मान लीजिए ये एक स्पंज बना देती हूँ मैं, ये स्पंज है कोई, ठीक है, तो इस स्पंज में इस तरह से कई सारी क्या होती है, जेम्यूल्स जो है वो फॉर्म हो जाती है, जिनके अंदर एक्चुअल में ये आर्कियोसाइट सेल्स है, ये सारी की सारी जितनी भी नजर आ रही है। तो ये जेम्यूल्स जो है फिर क्या होती है, ये आपकी इसकी स्पंजोसिल के अंदर आ जाती है, एंड देन ये बाहर निकल जाती है ऊपर को, और यहां से बाहर निकल जाती है, एंड देन फिर वो न्यू जो है स्पंज उसमें फॉर्म, स्पंज को अपना फॉर्म कर लेती है, ठीक है। तो ये ऑस्कुलम के थ्रू बाहर आती है, तो ये है ऑस्कुलम जिसके थ्रू बाहर आ गए ये बड, और ये बड फिर क्या करेगी, न्यू जो हम बोलते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है उसमें डेवलप हो जाएगी। तो इंटरनल बड होती है एक तरह से, एंडोजिनसली फॉर्म बड है, जेम्यूल फॉर्म होते हैं स्पंजस के अंदर, ये लोअर एनिमल्स है। फ्रेगमेंटेशन के थ्रू स्पाइरा वगैरह के अंदर होता है, ये हम लोगों ने बोला ही है, ठीक है, फिलामेंटस जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें फ्रेगमेंटेशन होता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक्चुअल में क्या, नेचुरल कंडीशन भी होती है और वेजिटेटिवली हम भी प्रोपोगेट कर सकते हैं किसी भी प्लांट को, उसे न्यू प्लांट डेवलप कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना कि जैसे कि कोई भी आपने ले लिया, अदरक का एक टुकड़ा लिया छोटा सा, और फिर उसको आपने मिट्टी के अंदर ग्रो किया, तो उससे अदरक जो होती है वो नहीं बन जाती है ना, जिंजर फॉर्म कर लेते हैं। तो ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। कोई भी सोमेटिक पार्ट अगर प्लांट का हम लेते हैं और उसको मिट्टी में या सॉइल के अंदर हम न्यूट्रिटिव मीडियम में उसको रखते हैं, देन उससे हमें न्यू प्लांट जो है वो मिलता है, तो उसको हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं, ठीक है। तो नेचुरल कंडीशन में भी होता है ये सब चीजें। अगर आप देखोगे बनाना का ट्री लगा हुआ है, तो उसके आसपास जो है वो छोटी 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 छोटी, हम ये बोलते हैं कि बनाना के ट्री जो है ना वो और अपने आप डेवलप हो जाते हैं। केली जो होती है उसमें भी सेम कंडीशन होती है, केना, केना जो होता है केना के अंदर भी सेम कंडीशन ही ऐसी डेवलप होती है, ठीक है। तो आप इस चीज को आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ, सोमेटिक पार्ट से न्यू ऑर्गेनिज्म को या फिर न्यू प्लांट को जो है डेवलप करना, उसको वेजिटेटिव बोलते हैं। यहाँ पे प्लांट शब्द यूज होगा, वेजिटेटिव हम वर्ड यूज कर रहे हैं, इसलिए ये कुछ टाइप है जो जिनसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किया जा सकता है। जैसे कि सबसे पहले आ जाता है रनर, रनर किसको बोलते हैं, ऑक्सेलिस के अंदर प्रेजेंट होता है, ग्रासेस के अंदर भी होता है रनर कंडीशन। ये आपका ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर जो स्टेम होता है उसके ये नोड है, इंटरनोड इस तरीके से क्या होते हैं, फैले रहते हैं। तो इंटरनोड जो होता है वहां से रूट्स निकली रहती है, एडवेंटिशियस रूट, ये एडवेंटिशियस रूट निकली है यहां से, इसको हम क्या बोलते हैं, रनर बोलते हैं। आप चाहो तो क्या कर सकते हो, इस पोर्शन को यहां से हटा के और अगर ग्रो करते हो तो ये फैल जाती है। ऐसा ही तो करते हैं ना, ग्रासेस वगैरह भी लगाते हैं कहीं पे, ऐसा थोड़ी ना कि वो छोटी छोटी क्या होती है, अलग अलग जगह पे थोड़ी थोड़ी दूरी में क्या करते हैं, हल्की हल्की ग्रासेस जो होती है ना अपनी रूट्स के साथ लगा दी जाती है, एंड देन वो रनर जो होते हैं वो अपने आप ही पूरी जगह, पूरी जमीन पे, मिट्टी में, पूरे में फैल जाती है, ठीक है। तो ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एक टाइप हो गया। सोमेटिक पार्ट को उठा के लगाया, सीड तो नहीं लगाए थे, राइट, कोई हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह कुछ काम नहीं करवाया, या फिर कोई किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्पोर को हमने नहीं डाला है वहां पे, है ना। हमने क्या किया, सिर्फ वेजिटेटिव पोर्शन को लिया प्लांट के और उसको वहां पे लगाया, और उससे क्या हो गया, वो प्लांट जो है उसने अपनी न्यू प्रोजेनीज बना के ग्रोथ कर लिया, ठीक है। रनर के थ्रू हो सकता है राइजोम, जो कि जिंजर के अंदर मिलता है, ये जिंजर जो है ना इसके अंदर राइजोम होता है, ये क्या है, फूड स्टोरेज करके, फूड स्टोरेज के लिए राइजोम जो होता है स्टेम होता है, मॉडिफाइड स्टेम है ये। तो ये जो राइजोम है ये भी क्या करता है, ये इनसे, इनके हर नोड से जो है एडवेंटिशियस रूट निकली है, इनसे कुछ बर्ड भी निकली रहती है जिनको आप अलग करके क्या कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो, ठीक है। सक्कर किसके अंदर प्रेजेंट होता है, बनाना के अंदर। सकर मैंने आपको बताया था कल ही कि लोअर नोड जो होता है, अंडरग्राउंड जो नोड होता है वहां से इस तरह से ऊपर की तरफ जो है न्यू ब्रांचेस निकलती है, जो एक न्यू प्लांट के अंदर डेवलप हो सकती है, जिसको हम सकर बोलते हैं, ठीक है। ऑफसेट वाटर हाइसेंथ के अंदर प्रेजेंट होता है, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था मॉर्फोलॉजी के टाइम पे। ऑफसेट क्या होते हैं, यही इसमें भी हॉरिजॉन्टल नोड व इंटरनोड यानी स्टेम जो होता है फैला रहता है पानी के ऊपर ऊपर, जिसके हर नोड से जो है वो रूट्स निकलती है, और जो हर नोड से जो है लीफ जो होती है, मासल लीफ जो होती है ना, उसका ग्रुप या बंच जो है निकला रहता है, और ये धीरे धीरे इस तरह से क्या होती है, वाटर हाइसेंथ पूरे पानी के अंदर जो है वो फैल जाता है। तो ये भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का टाइप है। बल्ब जो होते हैं वो अनियन के अंदर होता है, अनियन के अंदर स्टेम तो रिड्यूस होता है, लेकिन इसकी स्केली लीव्स जो होती है वो इस तरह से मासल होती है, एडिबल भी होती है, जिनसे भी आप क्या कर सकते हो, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर सकते हो। फिर लीफ नॉच, ब्रायोफाइलम, ये लीफ दिया आपको, देखो इसकी नॉचेस जो होते हैं इनसे देखिए एडवेंटिशियस रूट भी निकली है और स्मॉल लीफ भी निकली रहती है। आप इस पोर्शन को अलग करके अगर ग्रो करोगे तो क्या हो जाएगा, न्यू जो है वो प्लांट डेवलप हो सकता है। बल्बिल जो है अगेव के अंदर, बल्बिल
प्रेजेंट होते हैं, इनकी बड जो होती है वो मासल हो जाती है, और इससे हम क्या है न्यू प्लांट डेवलप कर सकते हैं। ये देखिए पोटेटो है ना, ट्यूबर जो होता है जिसके अंदर भी देखिए ये स्मॉल आईज है ना, आईज किसको बोलते हैं, ये बर्ड्स होती है जिनको आप क्या कर सकते हो सेपरेट करके और न्यू जो है प्लांट को डेवलप कर सकते हो। तो बर्ड यहाँ से जो डेवलप होती है उसका यूज किया जाता है। वाटर हाइसिंथ के बारे में कुछ चीजें ध्यान रखिए, जिसको टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं एक्चुअल के अंदर, ये इंडिया के अंदर जो है ना ये अपने बड़े खूबसूरत से इसके फ्लावर होते हैं, इस वजह से इंट्रोड्यूस हुआ। ये बहुत ज्यादा वेजिटेटिवली प्रोपोगेट करता है, पूरे पानी के ऊपर फैल जाता है, जिससे क्या होती है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है पानी के अंदर, तो वहां पे जितने भी एक्वेटिक हम बोलते हैं कि एनिमल्स जो होते हैं उनके लिए थोड़ी सी क्या हो जाती है कंडीशन डेवलप हो जाती है, मुश्किलें आ जाती हैं क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, फिशेज की डेथ हो सकती है। तो ये चूंकि बंगाल टेरर ऑफ बंगाल इसीलिए बोला जाता है कि वहां बहुत ज्यादा ये ग्रो कर रहा है वाटर हाइसिंथ। तो ये वाटर हाइसिंथ इसके बारे में कई बार पूछा जाता है कि कौन है भाई टेरर ऑफ बंगाल, वाटर हाइसिंथ होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये हुआ कि जिसके अंदर गैमेट फॉर्म होते हैं, गैमेट्स का फ्यूजन होता है जिससे जायगोट बनता है, और ये जायगोट जो है वो न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता है। समझेंगे कैसे, ये एक मेल है समझ लीजिए और ये एक फीमेल है, ये क्या बनाएंगे, ये भी गैमेट बनाएंगे, वो गैमेट कैसे होंगे मेल गैमेट होंगे, ये जो गैमेट बनाएंगे वो गैमेट कैसे होंगे फीमेल गैमेट होंगे, इन गैमेट के बीच में क्या होगा फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या होता है टू एंड जायगोट, एक सिंगल सेल बनती है जो कंटिन्यू माइटोटिक डिवीजन करके न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाती है, न्यू प्रोजेनी जो है वो फॉर्म हो जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। चलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अगर हम लोग बात करें तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन करता है, तो जितने भी हायर प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं उन सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। अगर हम बात करें क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंटिन्यू हमेशा ही चलता रहता है, तो ऐसा नहीं होता। अगर प्लांट्स के अंदर बात करें तो प्लांट्स जो होते हैं वो उनका एक फ्लावरिंग का एक पर्टिकुलर सीजन होता है, अगर एंजियोस्पर्म में अगर हम देखेंगे तो पर्टिकुलर सीजन के अंदर ही क्या होता है कि उनमें फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग होती है, एंड देन सीड्स जो है वो जर्मिनेट होते हैं, न्यू प्लांट डेवलप होता है। तो सीजनल जो है वो ब्रीडर्स जो हम ये बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर ही फ्लावर लगते हैं, सब प्लांट का अपना अपना सीजन होता है, ठीक है। और कुछ प्लांट्स वो ऐसे भी होते हैं जो कि अपने पूरे लाइफ साइकिल में एक बार ही फ्लावर देते हैं, तो कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में जो है वो फ्लावर देते हैं। तो जैसे कि बैम्बू प्लांट है, तो बैम्बू प्लांट जो है वो केवल अपने पूरी लाइफ के अंदर अगर वो 100 ईयर तक जी रहा है तो पूरे 100 ईयर्स में केवल एक बार ही फ्लावरिंग करता है, और वो फ्लावरिंग करने के बाद में उसकी हम बोल रहे हैं कि डेथ हो जाती है। तो पूरे लाइफ साइकिल में एक बार ही फ्लावर जो है फ्लावरिंग उसके अंदर होती है, ठीक है। जबकि स्ट्रोवायलेंथस कुंथियाना जिसको नीला कुरंजी कहते हैं वो हर 12 साल के अंदर फ्लावरिंग करता है, देखिए पर्टिकुलर स्पेसिफिक है, तो हमेशा थ्रू आउट द हम ये बोलते हैं कि ईयर्स कोई भी प्लांट जो है वो फ्लावरिंग नहीं करता रह रहा है, वो एक पर्टिकुलर सीजन में करता है, कुछ अपने लाइफ के अंदर भी एक बार करते हैं तो कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड में करते हैं। जैसे कि स्ट्रोवायलेंथस कुंथियाना की बात करें तो इन्होंने फ्लावरिंग की थी कब, ये देखिए ये जो है इन्होंने लास्ट ईयर ही जो है वो इन्होंने इनमें फ्लावरिंग हुई है, और जिसकी वजह से केरला कर्नाटक तमिलनाडु के अंदर जो है ब्लू कलर की जो है वो फ्लावरिंग जो है पूरी जगह फैल जाती है, ठीक है। ये है जो कुछ साइकिल्स के बारे में आपके एनसीईआरटी के अंदर ही लिखा हुआ है जिनको आपको ध्यान देना चाहिए, जैसे सीजनल ब्रीडर्स जो होते हैं जो एक पर्टिकुलर अपने हम बोलते हैं सीजन के अंदर ही फेवरेबल कंडीशन के अंदर ही क्या करते हैं ब्रीडिंग करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कंटिन्यू ब्रीड करते रहते हैं, जो हमें बोलते हैं कि जो हमेशा रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रहते हैं, कभी भी किसी भी टाइम के अंदर वो जो है उनके लिए कोई स्पेसिफिक सीजन नहीं होता, वो हमेशा जो है वो रिप्रोडक्टिव जो है फेज जब उनकी एक बार स्टार्ट होती है देन वो थ्रू आउट उस पूरे फेज के अंदर कंटिन्यू उनके अंदर वो ब्रीडिंग प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। ये दो साइकिल है जो आपके एनिमल्स के अंदर दिए गए हैं, एक तो होता है ओइस्ट्रस साइकिल और एक होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ईस्ट्रस साइकिल वही साइक्लिकल चेंज है लेकिन नॉन प्राइमेट्स के अंदर हम उसको ईस्ट्रस साइकिल बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो हम बोलते हैं प्राइमेट्स जो होते हैं उनकी फीमेल के अंदर जो साइक्लिक चेंज आता है उसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। वैसे इन सब के बारे में हम लोग रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन में जब पढ़ेंगे तो वहां इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए अभी देखिए कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है उसकी पूरी हम ये बोलते हैं कि लाइफ के अंदर तीन फेजेस आती है, कौन कौन सी आती है, एक तो जुवेनाइल फेज, एक होती है रिप्रोडक्टिव फेज और दूसरी होती है सेसेंट फेज। जुवेनाइल फेज को हम वो बोलते हैं ये प्री रिप्रोडक्टिव पीरियड है, इसके अंदर हम ये बोलते हैं कि कोई भी प्लांट है या फिर कोई भी एनिमल है जो रिप्रोडक्शन नहीं करता, ठीक है, केवल अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ शो करता है उस फेज को हम ये बोलते हैं।
रिप्रोडक्टिव वो फेज होती है जिसके अंदर हम ये बोलते हैं कि जो वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाते हैं, नाउ इस टाइम के अंदर प्लांट है या फिर एनिमल है तो वो रिप्रोडक्शन जो है वो करते हैं, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अब ये ध्यान रखो कि जो रिप्रोडक्टिव फेज है तो उसमें सीजनल ब्रीडर्स जो होंगे वो तो पर्टिकुलर सीजन के अंदर क्या करेंगे, ब्रीडिंग करेंगे, ठीक है, और जो हम बोलते हैं कि जो सीजनल ब्रीडर्स नहीं है वो थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव फेज कभी भी किसी भी टाइम में वो रिप्रोडक्शन के लिए एक्टिव रहते हैं, तैयार रहते हैं। सेनेसेंट वो फेज होती है जिसके अंदर हम बोलते हैं एजिंग हो गई है, अब इसके बाद में जो है उनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होगा, तो रिप्रोडक्शन नहीं होता उस पीरियड को हम बोलते हैं सेनेसेंट फेज, ठीक है। तो ये हो गया एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज को हम सेनेसेंट फेज भी बोलते हैं। नाउ इवेंट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तीन इवेंट है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। तो सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट किसको बोलते हैं, वो इवेंट उसमें एक तो क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस होता है, गैमेट्स फॉर्म होते हैं, दूसरा गैमेट्स का ट्रांसफर होता है, क्योंकि कंडीशन दोनों ही है कि कोई जरूरी नहीं है कि एक ही ऑर्गेनिज्म में फेल मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हो, हो सकता है मे बी दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर एक मेल है और दूसरा क्या है फीमेल है पर्टिकुलर किसी भी स्पीशीज का, तो हम ये बोलते हैं कि गैमेट ट्रांसफर होना जरूरी है, मेल मेल जो गैमेट है उसका फीमेल गैमेट के पास में जाना जरूरी है, तो गैमेट ट्रांसफर जो होता है वो इवेंट भी किसमें आता है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आता है। नाउ द फर्टिलाइजेशन, दोनों गैमेट्स का फ्यूजन जो होगा जिसको हम सिनगैमी बोलते हैं वो आ गया फर्टिलाइजेशन, एंड द लास्ट पार्ट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट किसको बोलोगे आप, जिसमें जाइगोट फॉर्म होगा और वो जाइगोट जो है वो डिफरेंशिएट होगा, हम ये बोल सकते हैं पहले सेल डिवीजन करेगा, अपने नंबर इंक्रीज करेगा, ग्रोथ शो करेगा, एंड देन हम बोल रहे हैं कि डिफरेंशिएशन होगा यानी एम्ब्रियो फॉर्म होगा, एंड देन एम्ब्रियो से एडल्ट जो है वो फॉर्म होगा। तो जाइगोट फॉर्मेशन एंड एम्ब्रियोजेनेसिस इसका एक हम ये बोलते हैं कि दो इसके अंदर आने वाले इवेंट है जिनको कंटिन्यूली हम अब पढ़ेंगे। चलिए गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन को हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं, मेल गैमेट फॉर्म होता है या फिर फीमेल गैमेट फॉर्म होता है। अब इसमें भी देखिए दो तरह की कंडीशन है, एक कंडीशन जो होती है उसको हम बोलते हैं आइसोगैमेट्स या फिर होमोगैमेट्स, दूसरी कंडीशन आती है हिट्रोगैमेट्स। आइसो का मतलब क्या हो गया, जो एक जैसे दिखते हैं, सिमिलर होते हैं, है ना, जिनकी साइज और शेप और स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो जो सिमिलर होंगे उसको हम बोलते हैं आइसोगैमेट्स। जैसे कि ये देखिए क्लेडोफोरा के अंदर क्या है, आइसोगैमेट्स है, दोनों के दोनों मेल एंड फीमेल बता ही नहीं सकते कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, उसको हम बोलते हैं आइसोगैमेट्स। हिट्रोगैमेट्स फॉर्म हो सकते हैं जो मोर्फोलॉजिकली क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं और साइज में भी डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप फ्यूकस के अंदर देखोगे तो ये फीमेल गैमेट है जो कि क्या है साइज में बड़ा और नॉन मोटाइल है, जबकि ये मेल गैमेट है जो साइज में छोटा है और मोटाइल है। सेम ऐसे ही अगर ह्यूमंस के अंदर आप देखोगे तो ये एग है यानी मेल फीमेल गैमेट है जो कि क्या है साइज में बड़ा भी है और नॉन मोटाइल है, जबकि मेल गैमेट जो है वो टेडपोल जैसी शेप है इसकी, देखिए टेल्ड शेप है इसकी और ये क्या होता है मोटाइल होता है, तो ह्यूमंस में भी है। तो ये हिट्रोगैमेट्स होते हैं, ह्यूमंस में है या फिर फ्यूकस के अंदर हिट्रोगैमेट्स है, ठीक है। अभी सेक्सुअलिटी पे अगर हम बात करें, ठीक है, तो सेक्सुअलिटी भी अलग अलग हो सकती है, जैसे कि मेल एंड फीमेल अलग अलग भी हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं और बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं, तो इसको लेकर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या हो गया कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो एक ऑर्गेनिज्म में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दूसरे ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। जैसे कि फॉर द एग्जाम्पल यूनिसेक्सुअल के लिए, तो यूनिसेक्सुअल के लिए एग्जाम्पल हो गया हमारे पास में ये, अभी यहाँ पे देखिए ये मेल थैलस है ये फीमेल थैलस है, इस पे आर्किबोनियो फोर लगा है और इस पे एंथ्रीडियो फोर लगा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं यूनिसेक्सुअलिटी बोलते हैं, एक मेल है दूसरा फीमेल है, दोनों है तो क्या मार्केंशिया ही है बट मार्केंशिया में मेल एंड फीमेल अलग अलग है, तो इसको हम क्या बोलते हैं यूनिसेक्सुअल हम कंडीशन बोलेंगे। अभी देखिए ये यूनिसेक्सुअलिटी के अंदर एक चीज ये भी आती है कि कोई जैसे कि कॉकरोच है, कॉकरोच भी यूनिसेक्सुअल होता है, ये आपका मेल है ये आपकी फीमेल है, अगर इसमें इसको हम पहचानेंगे कैसे, मोर्फोलॉजिकली एनल जो सरसाई है उनकी प्रेजेंस से हम पहचान सकते हैं, दोनों अलग अलग हम ये बोलते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक कंडीशन क्या हो सकती है कि ये भी हो सकती है जैसे कि हम इस कंडीशन को प्लांट्स के अंदर अगर हम बात करेंगे तो हम उसको डायोशियस कंडीशन बोलते हैं, क्योंकि मेल जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक प्लांट में और जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दूसरे प्लांट में प्रेजेंट है ना, मेल फ्लावर एक प्लांट में और फीमेल फ्लावर दूसरे प्लांट में, तो इस कंडीशन को हम डायोशियस भी बोल सकते हैं, ठीक है, डायोशियस है। हिट्रोथैलिक भी बोल सकते हो, ये हिट्रोथैलिक कंडीशन है। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या हुआ कि एक ही फ्लावर के अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का प्रेजेंस होना, या एक ही एनिमल के अंदर बात करें एक ही एनिमल के अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का प्रेजेंट होना, उसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल। हर्माफ्रोडिट कंडीशन भी इसको हम बोल सकते हैं, जैसे कि आपका कॉकरोच है, कॉकरोच के अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है एक ही ऑर्गेनिज्म में है, तो ये हर्माफ्रोडिट है।
कारा, कारा के अंदर हम क्या बोल रहे हैं, ये बाइसेक्सुअल है, क्योंकि देखिए यूगोनियम एंड एंथ्रीडियम दोनों एक ही प्लांट के ऊपर लगे हैं। इस कंडीशन को हम मोनोशियस भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, बाइसेक्सुअल है। तो किस किस में प्रेजेंट होता है, एग्जांपल याद रखिए, जैसे कि मोनोशियस किस किस में है, होमोथैली कंडीशन, कुकरबिट्स एंड कोकोनट के अंदर है। बाइसेक्सुअल कंडीशन किस में है, अर्थवॉर्म, स्पंजेस के अंदर, टैपवर्म, लीच के अंदर, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स याद रखिए। यहां पे देखिए यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर जो होते हैं जिनमें स्टेमल्स ही प्रेजेंट होते हैं, ऐसे फ्लावर्स को स्टेमिनेट बोलते हैं, और जिसके अंदर केवल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं ऐसे फ्लावर को हम पिस्टिलेट बोलते हैं। तो स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर हो सकते हैं। स्टेमिनोट जो होता है, स्टेमिनोट वो स्टेराइल स्टेमन्स के लिए वर्ड होता है, तो थोड़े से शब्द जो है ना उनका ध्यान रखिए। अब गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे होता क्या है, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे पेरेंट अगर हैप्लॉइड है, मान लीजिए ये हैप्लॉइड है, उनकी कंडीशन की हर जो है सेल उसमें क्रोमोसोम का हैप्लॉइड नंबर प्रेजेंट है, ठीक है ना, हैप्लॉइड सेट है, एन नंबर है उनके अंदर क्रोमोसोम, एक ही सेट प्रेजेंट है क्रोमोसोम का। तो ऐसे पेरेंट क्या करेंगे गैमेट बनाने के लिए, माइटोसिस करेंगे, यानी फंजाई को अगर गैमेट बनाना होगा तो वो क्या करेगा, माइटोसिस करेगा, तभी तो हैप्लॉइड गैमेट बनेंगे, क्योंकि गैमेट हमेशा हैप्लॉइड ही होते हैं, ठीक है। फिर डिप्लॉइड अगर ऑर्गेनिज्म है तो वो अपने गैमेट बनाने के लिए क्या करेगा, वो मियोसिस करेगा। तो ये याद रखिए सेल डिविजन कैसा वाला होता है उनके अंदर। चलिए फिर देखिए गैमेट जब बन जाएंगे तो गैमेट ट्रांसफर होंगे। अब ये गैमेट ट्रांसफर की कंडीशन ये है कि दोनों ही, अगर मान लीजिए कि मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों ही मोटाइल है ना, तो वो क्या होगा, ऐसी कंडीशन के अंदर दोनों ही मोटाइल होंगे तो वो जिस भी मीडियम के अंदर उनको छोड़ा गया है तो वहां पे वो दोनों क्या होंगे, मूव करके एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, इन्फ्यूजन शो करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, जैसे कि फंजाई एंड कुछ एल्गी के अंदर होता है। बट अगर जिसके अंदर मेल गैमेट है मोटाइल है, फीमेल गैमेट जो है स्टेशनरी है, तो मीडियम वाटर हो सकता है, जैसे कि ब्रायोफाइट्स के अंदर जो है ऐसा ही होता है, वाटर के थ्रू जो है मूव करके वो फीमेल गैमेट उसके पास में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास पहुंच जाते हैं, देन वहां पे क्या होता है उसका ट्रांसफर होके एंड देन फर्टिलाइजेशन होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म भी ऐसे होते हैं जिनके अंदर होता है, तो उनमें पर्टिकुलर हम ये बोलते हैं कॉपुलेशन मेथड होते हैं जिसके थ्रू मेल गैमेट्स को ट्रांसफर किया जाता है, किसको, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास में, फीमेल गैमेट के पास में, ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। नाउ फर्टिलाइजेशन किसको बोल रहे हैं, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फ्यूजन जो हो रहा है मेल एंड फीमेल गैमेट का, उसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, इसको हम सिनगैमी भी बोल सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से डिप्लॉयड जायगोट बनेगा। अगर सिनगैमी नहीं होगी तो क्या होगा, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते भी हैं जिन, या फिर कुछ प्लांट्स हैं जिनमें क्या होता है फर्टिलाइजेशन नहीं होता, बजाय उसके सीधे क्या हो जाता है, फ्रूट डेवलप हो जाता है। तो ऐसे फ्रूट को हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोजिनेसिस प्रोसेस को पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं, ऐसे फ्रूट्स को, ठीक है। तो ये कंडीशन भी हो जाती है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म भी है जैसे कि हनी बी वगैरह है या फिर लिजर्ट्स वगैरह जो होती हैं, ये इनके अंदर जो फीमेल गैमेट होता है वो डायरेक्ट ही क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है न्यू इंडिविजुअल के अंदर, तो वो विदाउट सिनगैमी न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म कर लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन भी होती है, एग्जाम्पल्स याद रखिए कि किसमें ऐसा होता है, ठीक है, लिजर्ट्स में, रोटरीफर्स में। सिनगैमी कहाँ होती है, देखिए सिनगैमी जो है उसकी कंडीशन है कि जैसे कि कुछ एल्गी है, फिशेज है, एम्फीबियंस है, इनके अंदर सिनगैमी जो होती है वो एक्सटर्नल मीडियम के अंदर होती है, फर्टिलाइजेशन बाहर होता है, जबकि कुछ के अंदर क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन जो है वो अंदर होता है, जैसे कि हमारे अंदर ह्यूमंस के अंदर क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन अंदर होता है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो सकता है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सिनगैमी जो है दोनों ही तरीके से हो सकती है, आउटसाइड द बॉडी एंड इनसाइड द बॉडी। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर, इंटरनल बॉडी के अंदर। इसकी वजह से जो है हम ये बोलते हैं सर्वाइवेबिलिटी जो होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, इसकी वजह से जो है जो हम बोलते हैं प्रोजेनी जो होती है वो सर्वाइव बहुत ज्यादा कर भी लेती है। समटाइम प्रोजेनी जो होती है, ऑफस्प्रिंग जो होती है वो किसी, हम ये बोलते हैं कि कैलकेरियस शेल जो होती है उसे कवर रहती है, तो फिर वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म अपने इंटरनल फर्टिलाइजेशन की वजह से बनना वाला जो जायगॉट है या फिर उससे जो एम्ब्रियो डेवलप होगा उसको उस कैलकेरियस शेल के साथ में बाहर निकालता है, राइट, एग जो है वो डेवलप होते हैं। तो इसको हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, ओवीपेरस ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और अगर डायरेक्टली वो क्या करता है, अपने ही जैसे ही यंग, अपने ही जैसे दिखने वाले अगर किसी यंग वन को प्रोड्यूस करता है, बर्थ देता है, तो उसको हम वीवीपेरस बोल देते हैं। तो ओवीपेरस एंड वीवीपेरस कंडीशन हो सकती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन में, अगर हम बात करते हैं एनिमल की, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है किसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, किसमें इंटरनल होता है। तो एल्गी में, बॉनी फिशेस के अंदर, फ्रॉग के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस किस में, रेप्टाइल्स में है, मैमल्स के अंदर है, ठीक है। और मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स जो होते हैं उनमें भी क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट,
जाइगोट बन गया, अब ये जाइगोट क्या करेगा, पहले सेल डिवीजन करेगा, अपनी नंबर इंक्रीज करेगा जिसकी वजह से एम्ब्रियो बनेगा, फिर उसमें क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन की वजह से नया ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट जैसे ही मिलता जुलता ऑर्गेनिज्म जो है उसका क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, डेवलपमेंट होगा। ओवी पेरस एंड वीवी पेरस आपको समझ में आ गया, ओवी पेरस का मतलब क्या होता है, वो एनिमल्स जो एग बाहर आउटसाइड जो है रिलीज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बर्थ करते हैं, उनको हम बोलते हैं ओवीपेरस। वीवीपेरस उनको बोलते हैं जो अपने ही जैसे दिखने वाले यंग वंस को जो है वो बर्थ को पैदा करते हैं, उनको हम वीवीपेरस बोलते हैं। एग्जांपल याद रखिए, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के अंदर ओवीपेरस कंडीशन है, ह्यूमन एंड डॉग के अंदर वीवीपेरस कंडीशन है। तो ये चार्ट के थ्रू हम लोगों ने आप लोगों को बता दिया है, आपको मालूम है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट अगर फ्लावरिंग प्लांट के अंदर बात करें तो क्या होगा, फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जो उनका ओव्यूल होता है, ये मान लीजिए ओव्यूल है, तो इन ओव्यूल के अंदर थोड़ा सा समझ लेते हैं, बाकी आगे फ्लावरिंग प्लांट में हम पूरा समझेंगे। ये एम्ब्रियो सैक है, इसके अंदर ये एग है जिसने फर्टिलाइजेशन किया और ये डेवलप हो जाएगा किसके अंदर, एम्ब्रियो के अंदर। जब ये एम्ब्रियो के अंदर डेवलप होगा, यानी कि एग जो है ये फर्टिलाइज हो गया, एम्ब्रियो में डेवलप हो गया, तो ये जो आपका हम ये बात कर रहे हैं किसकी, ये ओव्यूल की बात कर रहे हैं, तो ये ओव्यूल पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जिस ओवरी के अंदर प्रेजेंट है वो ओवरी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और ओवरी की जो वॉल है वो क्या बनाएगी, फ्रूट वॉल बनाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्प बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये सारे क्या है, सीड है, और ये क्या है, पेरिकार्प है। अगर इसके अंदर आप देखोगे तो ये सारे सीड है और ये क्या है, पेरिकार्प है। ये पेरिकार्प जो है वो फ्लैशी भी हो सकता है, जैसे कि फॉर द एग्जाम्पल के लिए खीरा, खीरे के अंदर अगर आप देखोगे कुकुम्बर के अंदर, तो वो क्या होते हैं आपका, पेरिकार्प जो है वो क्या है, फ्लैशी होता है कि नहीं होता है, आप उसको खा सकते हैं ना। और ये सारे के सारे क्या है, सीड है। तो फ्रूट के फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज आते हैं वो ऐसा आता है ओव्यूल सीड के अंदर, और ओवरी फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। एंड देन ये सीड जब इसको मिलती है सॉइल या न्यूट्रिटिव एनवायरनमेंट, कोई भी मीडियम जो है उनको प्रोवाइड होता है, तो सीड जर्मिनेट होते हैं एंड देन न्यू प्लांट जो है उसको फॉर्म करते हैं। तो यही इवेंट्स रहते हैं एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर। तो ये जनरल आइडिया है किसका, रिप्रोडक्शन का। इनको डिटेल में हम लोग बाद में आगे पढ़ेंगे। तो भाई आज के लिए तो इतना ही, और छोटी मोटी चीजें थी जो आप लोगों को मालूम है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस एग्जांपल के साथ में कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, तो उनको याद रखने की कोशिश करिए। तो आज के लिए इतना ही। तो स्टूडेंट्स, कई टाइम से आप लोग हमसे पूछ रहे हैं आखिर ये फ्लैश कार्ड है क्या, तो आज मैं आप लोगों के इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके आई हूँ कि फ्लैश कार्ड आखिर है क्या। अगर आप हमारे ऐप में गए हैं और ऐप में आप लोगों ने इस तरीके से स्क्रीन को ओपन किया और वहां पे आप देखते हैं कि एक आपको सेक्शन नजर आता है जहां लिखा है फ्लैश कार्ड, अगर आप इस फ्लैश कार्ड पे ओपन करते हैं तो आपको वहां नजर आएंगे चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट्स, कि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आप लोगों के क्लियर नहीं होते हैं एनसीईआरटी के। हम लोगों ने फ्लैश कार्ड में लेके आए उन सारे कॉन्सेप्ट्स को और उसके साथ में उन सबके लॉजिक, कि किस वजह से ये सारे के सारे लॉजिक जो है लगते हैं इन कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो अगर आप इस फ्लैश कार्ड को क्लिक करेंगे तो आप वो सारे कॉन्सेप्ट और उनके लॉजिक जो है उनको पढ़ पाएंगे। तो ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप लोग एक बार जाइए और जाकर हमारी ऐप पर हमारे चैप्टर वाइज सारे फ्लैश कार्ड जो है उनको देखिए, कोशिश करिए, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो ये है आज के फॉलोअप क्वेश्चन, फटाफट से इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये तो सॉल्व करने बहुत ही आसान है क्योंकि ये टॉपिक ही बहुत इजी मोस्ट है, हम लोगों ने बहुत आसानी से फटाफट से कर भी लिया है ये। चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चन है। देखिए, हमेशा याद रखना, मैं जो भी क्वेश्चन आप लोगों को दे रही हूँ वो सारे के सारे क्वेश्चन में मैंने नीट के एग्जाम के हिसाब से ही चूज किए हैं। डायग्रामेटिक भी क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाते हैं, मैच द कॉलम भी पूछे जाते हैं, तो इनको गौर से आपको पढ़ना है। बार बार रिपीटेशन होगी तो ज्यादा अच्छे से याद होगा। चलिए, ले लिया सब लोगों ने स्क्रीनशॉट, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और ताकि मैं भी तो आप लोगों को फॉलो करूं कि आप मुझसे कितना पढ़ पा रहे हैं और कितना आपको समझ में आ रहा है, राइट। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। बाय बाय।